बहुत ही मासूम सा सवाल है। चलो यहाँ पे देखते हैं, पहले इस वाले सवाल का आंसर फिर दूसरी बात है। मगर ये एरोमेटिक नहीं है, सो सैड। लेकिन अगर हमें इसमें और इसमें सेलेक्ट करना हो फिर क्या करें? अप टू 3 कार्बन तक फील कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और रेजोनेंस तो प्लस आई इफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई, व्हाट्स अबाउट द सेकंड? अब इस केस में देखो, इस केस में खेले, हाँ ठीक है, बैक रेजोनेंस भी कहते, डांसिंग रेजोनेंस भी कहते, ये तो रेस के बाहर है, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं। और अगर ये एरोमेटिक हो जाना है जो इसके कॉम्पिटेटिवली ज्यादा स्टेबल हो सकता हूँ, कि मान लो हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया 3 डिग्री कार्बोकेटायन नंबर 1 एंड इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 एलाइलिक ग्रुप, ये इसकी सबसे बढ़िया सी चीज है। स्टार्ट करते हैं। देखो टारगेट बैच में जो क्वेश्चन दे रखे हैं तुम्हें वो करने हैं। टारगेट बैच अगर तुमने ले रखा है तो ठीक है, नहीं ले रखा तो है ना तुम्हारी मर्जी। चलो यहां पे देखते, पहले इस वाले सवाल का आंसर फिर दूसरी बातें। अब यहां देखो, इसने पूछा कि हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए और हर जगह डबल बॉन्ड है, तो सिर्फ डबल बॉन्ड के बेसिस पे तो सॉल्व नहीं कर सकते है ना, तो सॉल्व करने का कुछ और तरीका होना चाहिए। तुम देखो कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ये 5, ये 5। अब एक कॉमन सी सेंस जिसे केमिस्ट्री थोड़ी कमाती है, वो सोच सकता कि 3 बॉन्ड को रोटेट करना आसान है। उसकी थोड़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ऐसे हो सकती है कि इसके अंदर बेयर से स्ट्रेन ज़्यादा है तो ये भी आसानी से घूम जाएगा, ऐसा सोच सकते, सोचने में कोई बुराई नहीं। लेकिन इसका आंसर रोटेशन पे है ही नहीं, इसका आंसर रोटेशन पे नहीं है, इसका आंसर रोटेशन पे भी नहीं है, इसका आंसर डबल बॉन्ड के ऊपर भी नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो सबके अंदर है। तो फिर इसका आंसर है किस पे? इसका आंसर है प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी पे, और वो कब हो सकता है? अगर वो एरोमेटिक हो जाए तो। अगर इन्होंने प्रोडक्ट बनाई और वो प्रोडक्ट एरोमेटिक हो गई तो इसकी स्टेबिलिटी है। लेकिन कैसे? ऐसे कि हमने एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव रखा रैंडमली, अगर दोनों बराबर हैं तो, एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, यहाँ थोड़ा सोचना है। अगर दोनों ही एरोमेटिक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। इस वाली केस में ये तो एरोमेटिक है मगर ये एरोमेटिक नहीं है, सो सैड। इस वाली केस में ये एरोमेटिक है मगर ये एरोमेटिक नहीं, बल्कि ये तो एंटी एरोमेटिक है, इसने इसका भी गेम खराब कर दिया। इस वाली केस में अगर मान लो हमने यहाँ पे नेगेटिव डाली तो ये एरोमेटिक हो जाना है और ये इसका तो कुछ भी नहीं होना क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। आंसर हो सकता है इनमें से कोई एक हो और ये भी हो सकता है कि आंसर इनमें से कोई भी ना हो। तो हम लोगों ने इस 3 में ये डिसाइड करा कि पहली बार अगर हमने इस तरीके से करा तो एक एरोमेटिक है, दूसरा एरोमेटिसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें एक पार्ट एरोमेटिक है, दूसरे पार्ट ने एंटी एरोमेटिक बिहेवियर शो करी, उसने पहले पार्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन भी बेकार कर दी। इस वाली केस में एक तो एरोमेटिक है, दूसरे की एरोमेटिसिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। मगर खेल यहाँ पे है, अगर हमने इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव डाला और हमने उल्टा करा, हमने एक ऑप्शन ऐसे पकड़ ली इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो अगर हमने इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव डाली तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक रूल है कि जिसके पास ज़्यादा कार्बन होंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डालनी है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सटेंड तक कॉन्जुगेट कर सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज हमने जिस पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है वहाँ डालने हैं। अगर हमने डाली तो ये है अपना एरोमेटिक और ये भी है एरोमेटिक, बोथ आर एरोमेटिक। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये चैनल का नाम है, चैनल का नाम लिख लो, सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल यहाँ पे देखते, तो इस वाली केस में हमने चीज़ों को इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि हमें पता है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन अगर एलाइलिक और विनाइलिक हो तो एक्सेप्शन हो सकते हैं। इस वाली केस में ऐसा क्या है? यहाँ पे 2 डिग्री है। इस वाली केस में क्या है? 1 डिग्री है। ये 3 डिग्री है और ये वापस 2 डिग्री है। लेकिन अगर हमें इसमें और इसमें सेलेक्ट करना हो फिर क्या करें? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो 3 है, लेकिन अगर हमें चॉइस निकालनी हो 1 और 4 के बीच, तब क्या करेंगे भाई? अगर हमें 1 और 4 के बीच फाइंड आउट करना हो ज़्यादा स्टेबल कौन से, तब अब यहाँ पे अगर हमने नोटिस करनी है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 1 इज मोर स्टेबल देन 4, तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 है, फिर 1 है, 4 है, सबसे मरा हुआ 2 है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर हमने यहाँ पे हाइब्रिड कॉन्जुगेशन यूज करी तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? इतने सारे अल्फा हाइड्रोजन हो गए। लेकिन अगर हमने इस वाली केस में जा रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोजन इतने सारे हो नहीं सकते, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए तो इतने नहीं हो सकते। इस वाली साइड पे अगर तुमने नेगेटिव डाल दी फिर डबल बॉन्ड डाल दी फिर कहाँ जाना है?
तो यहाँ पे तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सिस्टम अटैच है वो इस सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकता है क्या प्लस साइड इफेक्ट से। हाँ ये जरूर है कि अगर ये सिस्टम ज्यादा दूर है तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाना है, लेकिन ध्यान रखो जो प्लस साइड इफेक्ट है वो अप टू 3 कार्बन तक हम फील कर सकते हैं, अप टू 3 कार्बन तक फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट फिर भी रीजनेबल होगा इसके कॉम्पेरेटिवली, ठीक है। ये रेजोनेंस का एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसके अंदर हमें दो कॉन्सेप्ट देखने हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और रेजोनेंस, दोनों को इकट्ठा कर दो तो काम हो जाना है। तो यहाँ देखो बच्चों, अब यहाँ पे एक कहानी देखते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कितने लोग कर रहे हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज ये कार्बन और ये कार्बन कर रहे हैं, ठीक है। क्या इस वाली केस में है कुछ? इस वाली केस में इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये कार्बन है, लेकिन साथ में यहां पे दो लोन पेयर भी है। इस वाली केस में एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, और ये एक नेगेटिव यहां पे लोन पेयर है, बट देयर इज नो कॉन्जुगेशन। अगर हमें प्लस आई इफेक्ट को, अगर हमें कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करना है तो प्लस आई इफेक्ट होनी चाहिए, ऑक्सीजन इज हैविंग माइनस आई इफेक्ट, तो चीजें अब और कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो मैं ऐसा लग रहा है कि पहला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? एक पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि यहां पे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन इज हैविंग ए माइनस आई इफेक्ट, सो बिकॉज दे आर हैविंग ए माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी शुड बी डिक्रीज। लेकिन अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई, व्हाट्स अबाउट द सेकंड? और खेल यहां पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, सबसे ज्यादा स्टेबल है बी, फिर ए और फिर सी। लॉजिक क्या है ये समझ लो, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके साथ रेजोनेंस में है या कॉन्जुगेशन में है, या कॉन्जुगेशन। और हमें इस चीज को समझना होगा कि सबसे पावरफुल इफेक्ट है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी सबसे पावरफुल इफेक्ट है, और अगर इसके बाद कोई चीज है तो हम उसे रेजोनेंस कह सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में इस बात का डिपेंड करता है कि अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन 5 से ज्यादा हो जाए तो वो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो कई बार हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस को लेकर कोई क्लियर कट आइडिया होता नहीं, मगर यहाँ पे ये रेजोनेंस में है, दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल। इसमें दो प्लस आई इफेक्ट है, इसमें दो प्लस आई इफेक्ट है, सही है। इस वाली केस में इनके बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये बेकार है, आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये एक फैक्चुअल सा सवाल है। अब इस केस में देखो, इस केस में खेल है, खेल क्या है, ऑन एन एवरेज लोग सामान्य मानवी के मन में ऐसा आएगा कि बेंजीन से ज़्यादा स्टेबल क्या है, कुछ भी नहीं, तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए, ऐसा तुम्हें भी लगता होगा। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, हाँ ये जरूर हो सकता है तुम्हें इसके रीजनिंग ना पता हो। कितने लोग हैं जिसे पता है कि वाई दिस इज मोस्ट स्टेबल? कितने लोग हैं? और अगर तुम्हें पता है तो रीजन लिख दो। एक लाइन की रीजन है, डांसिंग रेजोनेंस। हाँ ठीक है, बैक रेजोनेंस भी कहते, डांसिंग रेजोनेंस भी कहते, बेंडिंग रेजोनेंस भी कहते, बेंडिंग बॉन्ड भी कहते, लेकिन ये डांसिंग है, नॉन डांसिंग है, इससे मालूम क्या होता? देखो डांसिंग रेजोनेंस और ये सारी बातें तो चलो वो एक रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। यहाँ पे तुम देख सकते हैं कि इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी है, फिलहाल इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी है। तुम देखोगे कि यहाँ पे क्या है, एक बार डबल बॉन्ड के इस वाली साइड पे, दूसरी बार डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं, हर एक पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करो। लेकिन जो चीज़ हमने यहाँ करी वो यहाँ भी कर सकते हैं, और वही चीज़ इस वाले पे भी कर सकते हैं। तो जितनी ड्रॉ करी है और भी 4 ड्रॉ करे जा सकते हैं, तो इसके ऑन एन एवरेज 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। लेकिन ये सारी बातें तुम महसूस नहीं कर सकते, तुम्हें कोई लिख कर दिखाएगा जब भी तुम्हारी समझ आएगी, लेकिन आंसर तो कुछ तो होगा। आंसर क्या है वो समझ लो, इनके बीच एंगल कितने डिग्री की है, 60 डिग्री के, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के अंदर एंगल कितनी होनी चाहिए, 109.5। इसमें कोई डाउट है? ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर जो कार्बन की एंगल है कितनी है, 60 डिग्री की, और होनी कितनी चाहिए थी, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल होनी चाहिए 109.5। तो यहाँ पे स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा होने से हुआ क्या? स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है तो रिंग ओपन होगी, ऐसे खुल गया है ना, खुल गया फंदा। और दूसरी बात समझ लो, अगर बॉन्ड एंगल कम है, इसका मतलब पी कैरेक्टर इज मोर, ये रूल है, इसे समझ लो। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या है, वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगी, अगर पी कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होने हैं। तो यहां पे पी कैरेक्टर कम है, पी कैरेक्टर ज्यादा है,
अब पी कैरेक्टर ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग एस के साथ कम ही होती, ओवरलैपिंग मिलके एस के साथ हाइड्रोजन छोड़ दो तो कहीं भी नहीं है, तो पी के साथ ओवरलैपिंग है। ये जो हम ओवरलैपिंग का खेल देख रहे हैं ना हाइपर कॉन्जुगेशन में, इसके लिए हमें जो ऑर्बिटल चाहिए वो ऑर्बिटल इसलिए आती क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का है, वेयर एज इट इज सपोज टू हैव 109.5 डिग्री एंगल, एंड बिकॉज देयर इज एंगुलर स्ट्रेन सो दे आर हैविंग ए टेंडेंसी टू इन्वॉल्व द पी ऑर्बिटल, एंड बिकॉज पी ऑर्बिटल इज फ्रीली अवेलेबल फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन सो दे आर हैविंग इवन मोर स्टेबिलिटी देन बेंजीन रिंग, थ्री बेंजीन रिंग्स। कोई सके तो पूछ सकते, अब तो फुली एक्सप्लेन कर दिया, अब क्या करें, पूरा एक्सप्लेन करा भाई साहब, एक बार फिर से देख लो, अगर तुम्हें जरूरत है तो फिर से कर सकते हैं। कहानी स्टार्ट हुई थी इसके बॉन्ड एंगल से, है ना, कि 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, लेकिन अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो 109.28 होने चाहिए। अब फिर सवाल ये होता है कि अगर मान लो ठीक है एंगल ज़्यादा हो गई तो क्या करें, तो आंसर ये है कि अगर एंगल ज़्यादा हो गई तो उसका जो पी कैरेक्टर है वो डोमिनेट करते हैं। फिर क्या हुआ, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें जो m40 ऑर्बिटल्स चाहिए वो पी के चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए रेडी है। हाँ जी बिल्कुल बात, और वही सारी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी है। तो यहाँ देखो एक बारी ये बात कितने लोगों की समझ आ गई, तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट हुई थी बॉन्ड एंगल से, तो बॉन्ड एंगल ने क्या करा, बॉन्ड एंगल ने स्ट्रेन क्रिएट करा, इस स्ट्रेन ने क्या करा, इस स्ट्रेन ने पी ऑर्बिटल को फोर्स करा फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, इसने पी ऑर्बिटल को फोर्स करा फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, इतनी बात है। इस बार बच्चों ने बहुत सही करा। देखो बच्चों यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर इसने एसिडिक बिहेवियर शो करा, तो एसिड किसे कहते हैं, प्रोटॉन डोनर्स, प्रोटॉन डोनर्स, और अगर इसने प्रोटॉन डोनेट करा तो एज ए रिजल्ट कार्बन आयन विल बी फॉर्म, तो हमें बेसिकली कार्बन आयन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड आउट, कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, अगर हमने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दी, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दी, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दी और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दी, ये तो रेस के बाहर है, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ही नहीं। इस वाली केस में भी ये एरोमेटिक कंपाउंड बना नहीं सकते, इस वाली केस में भी एरोमेटिक कंपाउंड बना नहीं सकते, यहाँ तो एंटी एरोमेटिक का खेल हो सकता है, मगर यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और ये सही आंसर है, तीन एंटी होगा, अगर तुमने प्लस लगाया तो एंटी होगा। ये पिछले सवाल से मिलता जुलता है, अगर तुम्हें पिछला सवाल समझ आ गया था तो इसके आंसर बस 2-4 सेकंड के अंदर आ जाने चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो अभी डिस्कस करा, ये एरोमेटिक हो जाना है, और अगर ये एरोमेटिक हो जाना है तो बाकी ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके कॉम्पिटिवली ज़्यादा स्टेबल हो सकता हो, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल ये है और सबसे कम स्टेबल मॉलिक्यूल ये है, ये सबसे कम स्टेबल है और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल है और उस वाली टॉपिक से बढ़िया। देखो बच्चों इस वाली केस में हमें सिर्फ इतनी बातें सोचनी है कि मान लो हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है ना, मान लो हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, मगर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे? तो अगर मान लो ऑक्सीजन की केस पकड़ लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये इसके एक और हाइड्रोजन लगा ली, बेसिकली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और एक और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या है, अगर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे आ जाए तो ऑक्सीजन के हो जाएंगे 4 बॉन्ड, तीसरी और ये फोर्थ है न्यूक्लियोफाइल के साथ, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो बना सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। और इस वाली केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने क्या करा कि कार्बन जो ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी है उसे फिर भी थोड़ा मेंटेन रखा। यही प्रॉब्लम तुम्हें NH4 पॉजिटिव के साथ भी मिलनी है। तो होता क्या है, लोग देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो गई होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ये भी एक एग्जांपल है कि पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। एक बार इस पे तुम ट्राई करके देखोगे, यहाँ भी यही प्रॉब्लम आती कि नाइट्रोजन के पास 5 बॉन्ड बन जाने हैं, तो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास नो वैकेंट डी सबसेल, और यही बात वैलिड है नाइट्रोजन के साथ भी। तो ये अपनी ये जो ये 2 से ज़्यादा और ये 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकते, ये कर लेते हैं मेडिकल के सवाल के साथ क्लास बंद करते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों इस वाली केस में तुम्हें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से 3 कार्बन है, ये एलाइलिक है,
एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये अपना 2 डिग्री है, ये अपना 1 डिग्री है, और यहाँ पे भी एलाइलिक है तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो दो एलाइलिक है, यहाँ पे दो दो एलाइलिक है, दो एलाइलिक है और साथ में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। साथ में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो तुम्हें बताने की जरूरत है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। क्या तुम्हें बताने की जरूरत है कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नंबर 1 एंड इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 एलाइलिक ग्रुप। तो इस वाले केस में एक ही एलाइलिक ग्रुप है ऑल्दो देयर इज नो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस वाले केस में भी कोई एलाइलिक ग्रुप है नहीं, यहाँ पे 2 एलाइलिक ग्रुप है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये इसकी सबसे बढ़िया सी चीज़ है। ठीक है बच्चों,